एक 6 साल की बच्ची का रेप करके उसके शरीर से उसके लंग्स को निकाल लिया गया एंड इसके पीछे की वजह है काला जादू, ब्लैक मैजिक। बट पॉइंट यहाँ है कि वो बाबा जो इस तरह के नुस्खे लोगों को बता रहा है, इस तरह के उपाय लोगों को बता रहा है, वो कहाँ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। बात है दिवाली की, जब एक 6 साल की बच्ची अपने घर से बाहर निकलती है और घर से बाहर निकलते ही उस बच्ची पर कुछ लड़कों की नजर पड़ती है। अब नजर पड़ते ही उन लड़कों को कुछ ऐसी बात याद आती है जो उन्हें नहीं आनी चाहिए थी। उन लड़कों में से एक के मामा थे जिनका कई सालों से बच्चा नहीं हो रहा था और उनको किसी ने यह बताया था कि अगर आपको बच्चा पैदा करना है तो आपको किसी के फेफड़ों, दैट मींस लंग्स की जरूरत है। अब जैसे ही अपराधियों को यह बात याद आई, उन्होंने देखा दिवाली का दिन है, चारों तरफ शोर मचा हुआ है, लोग घर में पूजा में व्यस्त है या दूसरे कामों में व्यस्त है, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने उस लड़की को किडनैप कर लिया। उसके बाद अपराधी उस बच्ची को जंगल में ले गए ताकि उन्हें कोई पकड़ ना सके। लेकिन सभी अपराधियों ने शराब पी रखी थी और नशे में उन्होंने सोचा कि बच्ची के फेफड़े, जो लंग्स हैं, वो तो हमें निकालने ही हैं, तो क्यों ना उससे पहले इस बच्ची का रेप कर दिया जाए। और उन्होंने जंगल में ही उस बच्ची का गैंग रेप किया और उसके बाद उस बच्ची को मारकर उसके लंग्स निकाल लिए और अपराधी ने अपने मामा को सौंप दिए। अगले दिन उस बच्ची की बॉडी पुलिस को मिलती है। सो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आगे क्या होगा और हमारा लॉ इस तरह के अपराध के मामलों में क्या कहता है। तो अगर हम लॉ की बात करें, देन सेक्शन 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर, सेक्शन 376D पनिशमेंट फॉर गैंग रेप, एंड बच्ची एक नाबालिग थी तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के चार्जेस लगेंगे। सो यहाँ गौर करने वाली बात ये नहीं है कि उन रेपिस्ट को सजा मिल रही है या उस कपल को जिन्होंने उस बच्ची को मरवाया उन्हें सजा मिल रही है। गौर करने वाली बात यह है कि वो बंदा कहाँ है जिसने उस कपल को ये उपाय बताया कि अगर आपको बच्चे पैदा करने हैं तो उसके लिए आपको किसी के फेफड़ों की, लंग्स की जरूरत पड़ेगी। पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो आम लोग हैं जिन्हें लॉ के बारे में नहीं पता होता, वो अक्सर ये देखते हैं कि कांड किसने किया और उसको सजा मिली या नहीं मिली। लेकिन उसका क्या जो इस तरह के इतने और कांड करवाने की क्षमता रखता है, अपराधी तो वो भी है। तो अक्सर हम पेड़ के उन कड़वे फलों को देखते हैं, लेकिन उस पेड़ की जड़ कहाँ है? जब तक हम उस पेड़ की जड़ पर वार नहीं करेंगे तब तक उस पेड़ में से इस तरह के कड़वे फल निकलते ही रहेंगे। एंड अगर आपके पास इस चीज का कोई सोल्यूशन है देन बेझिझक कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा एंड टॉप कमेंट्स को मैं कम्युनिटी टैब में शेयर करूंगा। क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक दिमाग नहीं है, आप लोगों की वजह से मेरे पास लाखों दिमाग हैं जिनके सजेशंस एंड ओपिनियंस मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। दैट्स ऑल।